तीन तारीख को पाकिस्तान पहुंच रहा हूं मैं, बस तुम भी वापस आ जाओ। क्यों? लगता है शाइस्ता छोड़ के चली गई है आपको, है ना? देखो उसका हमारी जिंदगी में कोई लेन देन नहीं है, वो एक ड्रामा आर्टिस्ट है, पैसे लेती है, काम करती है, दैट्स इट। कुछ डिप्रेशन है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। वेल शी इज फाइन नाउ, मैंने दवाई वगैरह लिख कर दे दी है, अब ये सो रही है, इनको सोने दें, सुबह उठेंगी तो फ्रेश होंगी। कोई तो बात है जो काफी हमसे छुपा रही है और आप उसका साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हम कमरे में वापस आए और काफिया ने कहा कि उसके सर में दर्द है, तो मैं दवा लेने गया और जब वापस आया तो वो बेड पर बेहोश पड़ी थी। ये कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। देखो तुम सबके साथ ड्रामा कर सकती हो मगर मेरे साथ नहीं। बताओ क्या परेशानी है? इमरान मुझे कोई परेशानी नहीं है, और अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी ना तो मैं सबसे पहले आके तुम्हें बताऊंगी। आइंदा से तुम्हें फरूख से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसका फोन ही नहीं अटेंड करना, समझे तुम? हाँ लेकिन कुछ गलत हो गया क्या? कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मैं तुमसे कह दिया ना, यू डोंट हैव टू टॉक टू हिम, बस। हेलो, ये तुम बार बार मेरी कॉल क्यों काट रहे थे? वो काफिया मेरे पास खड़ी थी। तो काफिया तुम्हारे पास खड़ी होगी तो तुम मेरी कॉल काटोगे? इडियट, अरे साइट पे ले जाकर बात भी तो कर सकते हो। खैर ये बताओ क्या सिचुएशन है? उसने मुझे मना किया है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, वो कह रही थी कि आपको जो बात करनी है उसे डायरेक्ट कीजिए, मुझसे मत कीजिए। यानी कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए? वेरी गुड। अच्छा खैर सुनो, बात हो गया ये ड्रामा, समझे? अब इस ड्रामे को वाइंड अप करो और फौरन वापस आओ। मैं कैसे कह सकता हूँ उनसे, वो जबरदस्ती तो नहीं ला सकता ना मैं उन्हें। रिवा शाबाश, एकदम होशियार बनने लगे। मैंने तुमसे कहा है कि बहुत हो गया ये ड्रामा, अब इस ड्रामे को वाइंड अप करना है, वापस आओ। कल सुबह की टिकट बुक करवाओ और मुझे फोन करके बताओ, या फिर मैं खुद फोन करके तुमसे पूछ लूंगा। और सुनो, ये काफिया को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी मेरी बात हुई थी। कीप इट टू योर सेल्फ। क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे? वो एक दोस्त का फोन था पाकिस्तान से। खैरियत? हाँ उसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए। ओहो, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये डिजर्ट है ना, बड़े मजे का है, तुम लोग को गेट सम? हाँ चले। अरे यार बाकी के 6 दिन रह गए और इतनी सारी जगहें जो हमने देखी नहीं है, वैसे भी पिछला प्लान इसकी वजह से खराब हो गया था, अब तो इसकी तबीयत भी ठीक हो गई है। हाँ तो सही है ना, मैंने कब मना किया है, चलो किधर चलना है? चलो फिर डन है, कल सुबह हम ग्रैंड पैलेस जाएंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। ग्रैंड पैलेस? वहाँ पे क्या है? वो कहाँ है? वहाँ पे भी बोट पे जाएंगे। यार हर जगह बोट पे नहीं जाते, 2 घंटे की ड्राइव है, बाय रोड जाना पड़ेगा, सुबह 8 बजे निकलेंगे और पहुँच जाएंगे। क्यों आफाक भाई? हाँ ठीक है, मेरा मतलब है वापसी की बुकिंग करा लेते। क्या ये कहाँ है?
चलो बस डन है, चलो भाई चलते हैं, डिनर भी करना है। आफाक में सोची थी इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, लाइक चेंज करते हैं और फिर बाहर हम लोग ऐसे। हेलो, तुम क्या सोचते रहते हो? जब देखो किसी ना किसी के ख्याल में तुम घूम रहते हो, क्या सोचते रहते हो तुम? नहीं नहीं नहीं, कल भी मैं यहाँ पे लेट, मैं आई थिंक मैं सोई हुई थी और मैं देख रही थी कि तुम पता नहीं कुछ लिख रहे हो। नहीं नहीं, तो वो एक जरूरी बात करनी थी इमरान से, मैं उसे मिला। Fine. Go ahead. मैं आता हूँ। मैं टीवी देख लेती हूँ। वाह शाबाश, एकदम होशियार बनने लगे। मैंने तुमसे कहा है कि बहुत हो गया ये ड्रामा, अब इस ड्रामे को वाइंड अप करना है, वापस आओ। अब तो काफिया से दूर होने के तसव्वुर से भी डर लगता है, लेकिन सोचता हूं अभी तो सिर्फ डर लगता है, जब वो दूर हो जाएगी तब क्या होगा? क्या मैं अब उसके बगैर जी पाऊंगा? लेकिन बात मेरे जीने मरने की नहीं है, बात तो काफिया की खुशी की है और उसकी खुशी उसके अपने घर में है। इस बार भी वैलेंटाइन डे खामोशी से गुजर गई, मैं उसके साथ होते हुए भी उसे कुछ नहीं कह सका, शायद मैं लेट हो गया। खैर अब मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान महसूस कर रहा हूं। उसके हाथों के लम्स ने मुझ में नई रूह फूंक दी है। मेरी आंखें उसके हाथों की गर्मी को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगी। कल सुबह की टिकट बुक करवाओ और मुझे फोन करके बताओ, या फिर मैं खुद फोन करके तुमसे पूछ लूंगा। और सुनो, ये काफिया को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी मेरी बात हुई थी।
क्या हुआ काफिया? Just stop it! Just don't! कितने दबाग हो तुम? इतने अरसे तुम मुझसे मोहब्बत करते रहो, तुमने मुझसे बोला नहीं? क्यों? क्यों नहीं बोला तुमने मुझसे? इतने अरसे तुम अपने आप में जुल्म करते रहे, एक बार भी तुम मुझसे कह नहीं पाए, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं इनकार ना कर दूं, कि मैं तुम्हें अपने से दूर ना कर दूं, इसलिए? लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे खामोश होने से कितना सब कुछ बर्बाद हो गया, जो हो चुका है। कितने दुख झेले मैंने तुम्हारी खामोशी की वजह से, कितने दुख। जैसे मैं सारी जिंदगी मोहब्बत करती हुई मुझसे एक धोखा था, एक झूठ था, एक फरेब था। अगर तुमने मुझसे एक बार, सिर्फ एक बार कह दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। एक बार तो तुम मुझसे कहते, एक बार तो आज मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। क्यों रिस्पॉन्सिबल पर होते? चले? हाँ काफिया, वो बात दरअसल ये कि मैं हाँ समझ बोलो। अरे यार निकल रहे हैं ना, बहुत ही बेसब्री हो। अरे बाबा ओके बाय, चलो चलो समझ लो हमारे बेटे, चलो। सामान वगैरह रखवा दिया क्या? हाँ रख दिया सामान। वाओ कितनी खूबसूरत जगह है ना। पता है मुझे बचपन से शौक था कि मैं क्रूज में जाऊँ, लेकिन कभी बाबा को टाइम ही नहीं मिला। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कराची का एयरपोर्ट दिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी, यहाँ तो बदतमीज इंसान हो। अच्छा ये बताओ काफी और अफाक का है? आई थिंक नीचे है। अच्छा इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ।
तुमने मेरे लिए सोच के नए दरवाजे खोल दिए। मुझे तो आफाक, तुम दोनों लव बर्ड्स को तो देखो। मुझे तुम्हें एक बात का अपॉलोजाइज करना था। किस बात का? वो जो मैंने तुम्हारी डायरी छुप के पढ़ ली थी। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं पता नहीं कब से तुम्हारी डायरी छुप छुप के पढ़ती रही हूँ। मैंने बहुत बुरा किया ना। इट्स ओके। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद मैं उस एहसास से महरूम हो जाती जो मुझे तुम्हारे साथ रहते मिला। बहुत अच्छा इंसान। मैं एक मिनट में आती हूँ। अलविदा। तुम्हारे पापा का फोन। हेलो बाबा। हाय मामा, कैसी हैं आप? जी हम सब साथ में हैं मामा, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी बाबा का एक्सीडेंट हो क्या? हाँ फैसल यार, एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे वापसी की 4 टिकट्स तो करा दे, फौरन करा दे, आज शाम की करा दे बस। हाँ हाँ हम 4 होगी। चल ठीक है, मुझे मेल कर दे। ओके ओके। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया क्योंकि अम्मी इतना रो रही थी। काफी आप परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप प्लीज रिलैक्स हो जाए।
इमरान जल्दी कीजिए ना, यहाँ से एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर है और हमें पहुँचने में भी काफ़ी देर हो जाएगी, और आपके इस वक्त लैपटॉप खोल कर बैठ गए हैं। बस यार दो मिनट, फ्लाइट 4 बजे की है और अभी 2 घंटे बाकी हैं। वो मैंने फैसल से टिकट्स मंगवाए हैं ना, तो मुझे मेल कर रहा है, वो उसी का वेट कर रहा हूँ। हाँ मेल आ गई। मैं काम करता हूँ, मैं रिसेप्शन से इसका प्रिंटआउट निकलवा के लाता हूँ। तुम ये देखना काफ़ी और आफाक तैयार हैं कि नहीं है, ठीक है? और मेरा बैग पैक है। ठीक है, आप जल्दी आइएगा, ठीक है? ये तो इमरान ही आकर उठाएंगे। अरे कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मामूली सी चोटें। मैंने तुम्हारी माँ को मना किया था, बच्चों को मत बताएं, परेशान हो जाएंगे, घूमने फिरने दें, वही हुआ। ये आपको मामूली चोटें नजर आ रही हैं, 6 जगहों पे फ्रैक्चर है, बिल्कुल भी आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, कैसे हुआ ये सब कुछ? स्कूल से वापस आ रहा था, एक मैं चला मोटरसाइकिल पे आ रहा था, वही आके टकरा गया मुझसे। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं आंटी? बेटा डॉक्टर्स ने 3 हफ्तों का बेड रेस्ट दिया है और फिजियोथेरेपी का भी कहा है। आप लोग नहा धो के फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। जाओ बेटा, तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, खाना पीना कर लो, थके हारे आए। जाओ मेरे बच्चे। आप नहीं आ रही ना? नहीं, जूस पियेंगे, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा। अच्छा आंटी हम लोग चलते हैं, सुबह फिर आना है और 10 बजे अंकल को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ बेटा, तुम लोग काफी थके हो, जाके थोड़ा आराम करो, ठीक है? गुड नाइट। आफाक तुम चाहो तो मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ, मैं रात को यहीं पर ठहरूंगी अब्बू की देखभाल के लिए। नहीं मैं चलता हूँ, मैं आपको लेने के लिए सुबह आ जाऊँ। ओके आंटी। ध्यान से जाना बेटी, मैं तुम्हारे अब्बू को जरा दवाई खिला दूँ, अभी आ रही हूँ। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? नहीं कुछ नहीं। ओके क्या ये सफर यहीं तक था? क्या काफिया आप कहीं इस घर में मेरे साथ रह सकेंगी? फरुख पाकिस्तान आ गया, कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, काफिया को मुझसे दूर कर दिया जाएगा। जिंदगी शायद पहले की तरह एक चटियल मैदान बन के रह जाए, या शायद उससे भी ज्यादा था। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे, तू वाकई मेरा बेटा। आफाक को भी फोन करके बुला लो, बल्कि इसे यही रात रोक लेती। माँ मैंने तो कहा था रुकने के लिए, अब उन्होंने कोई जरूरी काम सोच लिया होगा इसलिए नहीं आ पाए। मैं दोबारा फोन करके देखूँ? हाँ देखो, नाश्ता मैं करवा देती हूँ, तुम जाओ फोन करके पूछ लो कि कब तक। ये लीजिए।
मैं दवा भी लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है, पहले आप छोटी छोटी खुशियों को भी कितना एंजॉय करती थी और आज आप वहां हैं जहां के ख्वाब देखा करती थी, फिर भी इतनी बुझी बुझी सी हैं। सीधे बैठो, तुम तो ऐसे डरे हो जैसे बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। नहीं, मैं तो डर सिर्फ बटन टांक रही हूं। हेलो हेलो काफिया, वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू माय लाइफ। तुम भी जानती हो कि ये वक्त मैं कैसे गुजारा। अच्छा सुनो, तुमने बड़ा अच्छा किया तुम आंटी की तरफ चली। और हाँ, वो डिवोर्स के पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए। आफाक की तरफ भिजवा दिए, बस इंशाल्लाह विल बी सून टुगेदर। मैं बस अभी रास्ते में हूँ, आफाक की तरफ ही जा रहा हूँ। कहाँ हैं आप अभी? मैंने कहा ना, बस आफाक के घर के पास करीब ही। फरुख प्लीज रुक जाइए, अब ये मुमकिन नहीं है। ऐसे नहीं, हालात साजगार हैं या हालात साजगार नहीं है, आई गिव अ डैम। कुछ करो, डू समथिंग। उस आवाज के ऊपर कोई इल्जाम लगा दो, कुछ भी कह दो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ब्लडी स्टेट ऑफ माइंड। अपनी डायरी में मोहब्बत की दास्तानें लिखकर मुझे आसमान तक पहुंचा देते हो और फिर एक ही मिनट में मेरी किस्मत का फैसला करके मुझे जमीन पर लाके खड़ा कर देते हो।
तुमने मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमने मुझसे पूछे बगैर तलाक नामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना होगा। आप आज रात सोच लीजिए, आप जिस भी नतीजे पर पहुंचे मुझे बता दीजिएगा। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। काफी, 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 ये क्या हो गया?